सकते हैं। दिल्ली में आज तीसरे दिन भी जारी है पहलवानों का धरना। खेल मंत्री की पहलवानों के साथ आज फिर बैठक। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खिलाड़ियों की मांगों पर कमेटी के लिए तैयार। मंत्रालय खेल मंत्रालय मांगों के लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। हालांकि अभी ये सामने नहीं आया है कि क्या कुछ रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको बताते जाए, एक तरफ पहलवान अपनी बात रख रहे हैं तो दूसरी तरफ अब ब्रजभूषण भी अपनी बात रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। वो ये अपनी बात रखेंगे, 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज तीसरा दिन है, पहलवानों का धरना लगातार जारी है। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। खेल मंत्री के पहलवानों के साथ आज फिर बैठक होगी। WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह इस दौरान 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मेरे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, और अगर मेरे पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य साबित हो जाते हैं तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन क्या अब अपनी बात रखने के लिए वो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या फिर फेडरेशन से जुड़े हुए और मसले भी वो रखेंगे, या पहलवानों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा रखेंगे, ये देखना होगा। खिलाड़ियों की मांगों पर कमेटी के लिए मंत्रालय तैयार है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। खेल मंत्रालय मांगों के लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब जो कमेटी बनेगी उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन क्या कमेटी बनाने पर ही पहलवान तैयार है कि कमेटी बना दी जाए और उसके बाद ये कमेटी मांगों के लिए आगे बढ़े, उन पहलवानों से बात करें, या पूरी तरह से ये जांचे परखे कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं, या फिर मांगों पर कमेटी बनेगी, या फिर वो जो फेडरेशन को खत्म करने की बात हो रही है कि नया संघ गठित की जाए, क्या इस पर बात बन रही है? क्योंकि बर्खास्त करने के लिए ब्रजभूषण को कहा जा रहा है पहलवानों की तरफ से, क्या इस पर भी बात बनी है या नहीं बनी है, ये तमाम अभी जानकारियां फिलहाल जुटाई जा रही हैं। लेकिन क्योंकि पहले दौर की जब बातचीत हुई वो बेनतीजा रही, और आज फिर से एक बार बैठक।